आज हमें आपको अहिल्याबाई होलकर की स्टोरी सुनानी है, जो असली फेमिनिज्म की एक मिसाल है। अहिल्याबाई होलकर डायनेस्टी की रानी थी। 18th सेंचुरी में जहां एजुकेशन सिर्फ लड़कों के लिए सीमित था, उनके पिता ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। प्रैक्टिकल एजुकेशन की वजह से अहिल्याबाई ने पूरे भारत में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए, अपनी प्रजा के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। आज महेश्वरी सिल्क साड़ियां बहुत फेमस है, ये रानी अहिल्या की ही देन है। जब पूरे देश में लोग भूखे मर रहे थे, तब अहिल्या के राज्य में लोग सिल्क बनाकर पैसे कमा रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे, और इसी टैक्स का इस्तेमाल रानी अहिल्याबाई ने भारत के कल्चर को रिवाइव करने के लिए किया। सोमनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ जैसे टेम्पल्स उन्होंने वापस बनाए, और वो भी लोगों का पैसा खर्च किए बगैर। वो अपने खुद के पैसे से भारत के कल्चर को संभाल रही थी। कोई जरूरत नहीं थी, कोई कंपल्शन नहीं था, ये बस उनका अपने राज्य के प्रति प्यार। कोई और होता तो प्रजा से मिलने वाले पैसे से वो खुद के महल को सजाता, लेकिन उन्होंने भारत को सजाया। सच है, एक एजुकेटेड लड़की दुनिया बदल सकती है।